तो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से खेल जा रहे हैं हाई पिक्सल का स्काई ब्लॉक। और गाइस, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सिंपली एक चीज बताना चाहता हूँ। गाइस, जितने भी आप लोग मेरे आइडेंट में देख रहे हो ना गाइस, 100+ आवर्स की मेहनत, वर्क, टाइम जो भी का हो, सबको प्लेस करना, इनको ग्राइंड करना, इतने सारे फार्म, ये एक तो अभी कम्प्लीट भी नहीं, एक अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इतना मेहनत गाइस, ये सब कुछ काम का नहीं था, मतलब की है तो ज्यादा बोल रहा हूँ। गाइस, मेरे को इसको यहाँ नहीं बनाना था, मतलब कि हाई पिक्सल का एक अपडेट आया है, तो बोलते हैं गार्डन अपडेट, कि मैं जानता नहीं था कि गार्डन अपडेट में बेसिकली है का है क्या कि खुद ही देखो गाइस, इस टाइम एनपीसीज पे गए और वाओ गाइस, हम लोग एक अपनी पर्सनल हब आइलैंड की तरह कुछ चीज में आ गए। हम लोग यहाँ पे 4 प्लॉट मिलते हैं, हम लोग इनको अब एक्सटेंड भी कर सकते हैं शायद, होप सो। और ये हम लोग का पर्सनल कुछ हब टाइप है, अच्छा हब कस्टमाइज नहीं कर सकते। और ये कंपोस्टर है, प्रोग्रेस इन सैम क्यू ऑर्डर, तो ये हम लोग का ये यू सी दिस मशीन है। तो ओके गाइस, ये क्या चीज है कि, तो गाइस भाई परचेज सम फ्यूल फ्रॉम सैम स्मार्ट, ओके। तो सैम स्मार्ट कहाँ है गाइस, सैम स्मार्ट से क्या होगा जी, इसमें इसने बेसिकली क्या करा है गाइस, हम लोग को अपने प्लॉट का नंबर बढ़ाना है, अगर ये हम लोग का एक प्लॉट ऐसे, तो हम लोग को गाइस सिंपली कुछ, मेरा भी कही गाइस कौन सा प्लॉट अनलॉक है, मेरा क्या प्लॉट बना अभी खाली अनलॉक है ना, जो है ये वाला गाइस। ओके, हम लोग गाइस कंपोस्टर चाहिए, कॉन्फिगर प्लॉट पे जाते हैं, हम लोग गाइस अपना प्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग बायोफ्यूल ले सकते हैं जो कि 200 का है, 20,000 का है। ओके, ये गाइस पूरी शाम की शॉप आ गई है गाइस, इसमें क्या क्या है यार, बायोफ्यूल है, शाम साइक और गार्डन साइट, बिल्डर रूलर, ये क्या है, अच्छा ओके ये भी कुछ अपना बिल्डर वाला है। अब गाइस कॉपर बहुत चीजों में लग रहा है, तो बायोफ्यूल खरीद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो गाइस बैंक से अपना थोड़ा मनी विड्रॉ कर लेता हूँ, उसके लिए सिंपली अपने इस पे आता हूँ, और मेरे पास काउंटडाउन है नहीं, सबसे बड़ी बात, सारे पैसे निकाल लेते हैं हम लोग अपने। गाइस आई होप हम लोग यार बायोफ्यूल ही लेना होगा, ग्रेट, नाउ यू कैन ओपन द कंपोस्टर एंड पुट फ्यूल। ओके, हम लोग ये कंपोस्टर हो गया, तो परचेज गार्डन प्लॉट, ओके हम लोग अभी यहाँ से एक प्लॉट परचेज करना पड़ेगा, हम लोग प्लॉट 1 अनलॉक कर लेते हैं। ओके, हम लोग का क्या ये प्लॉट अनलॉक हो गया है। ओके, हम लोग सैम साइज लेनी है, अब गाइस पहले पढ़ लो पूरा क्या है मैं, अच्छा ओके गाइस हम लोग को प्लॉट को क्लीन करना है क्या अभी, गाइस हम लोग को इसको ये सब हटाना है प्लॉट का, भाई इसमें तो यार बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस मैं अपने इस आइलैंड पर फ्लाई भी कर सकता हूँ, जो कि मेक सेंस, क्योंकि गाइस भाई हम लोग को ये भी हम लोग का एक आइलैंड है, और यार तो गाइस अपने आइलैंड क्लीन ही करा था, तब गाइस बताइए यार मैंने क्या देखा, गाइस यहाँ पे चारों तरफ प्लॉट थे, और गाइस प्लॉट देखो गाइस भाई पूरे में कहीं ना कहीं प्लॉट होंगे, और गाइस भाई यहाँ पे बीच में जगह है ना, इन फ्यूचर शायद यहाँ पे प्लॉट वगैरह कुछ हो। ओके, यहाँ पे ये प्लॉट है, ये अभी लोड नहीं हुआ गाइस, ये बहुत कुछ बड़ा आइलैंड है, अभी मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जल्दी से सबको क्लीन करते हैं। तो गाइस अब मेरे को सारे ट्री को क्लीन करना है, उसके लिए ना गाइस मैं एक ट्री कैप लेके आता हूँ, हटो यार मेरे पास इतने पैसे तो पड़े ही होंगे, मैं गाइस एक ट्री कैप लेता हूँ, देखता हूँ कितने की होगी एक ट्री कैप, उससे ना गाइस जल्दी सारी ट्री चले जाएंगे। कितने की है एक ट्री कैप, 1.8, चलो ओके, इंश्योर रिफंड हुई नहीं, परचेज नहीं हुई, ओके चलो ये परचेज हो गई है। गाइस अभी मेरे को सिंपली क्या करना है, अपने वॉल्ट से ना कुछ कूड़ा निकालना है यार, ये जैसे कि 1, 2, 3, 4, और इन चीज इन अच्छी चीजों को रख देना है, और सिंपली 1, 2 जाना है अपने को, मेरे आइलैंड वापस जाना है, ट्री क्या है ना अपने पास, चलो शाम के पास जाते हैं, वापस चलते हैं अपने गार्डन में, दिस इज माई गार्डन, इसको जल्दी से साफ करना है अपने को। और गाइस ये शायद ऑटोमेटिकली चले जाएंगे ना, प्लीज ऑटोमेटिकली चले जाना, क्योंकि गाइस भाई लीफ मेरे को साफ नहीं करनी है भाई, जैसा ना यार लीफ वगैरह भी साफ करनी पड़े। और गाइस मैंने देखा कि गाइस बाकी प्लॉटों में यार बहुत ज्यादा साफ करना पड़ेगा, वो अभी गाइस मेरे को लग रहा है कि जैसे हम लोग अपना अपग्रेड करते जाएंगे वैसे हम लोग गाइस हार्ड होता रहेगा क्लीन करना, जो कि गाइस मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई ऑटोमेटिकली नहीं जा रही यार ये लीफ, अभी 36% हुआ है, नाइस, और ज्यादा साफ करना पड़ेगा अपने को। तो गाइस भाई यार इसमें बहुत टाइम लग रहा है क्लीन अप करने में, तब तो थोड़ी और चीज देखता हूँ कि मैं गाइस थोड़ा और फ्यूल ले लूँ क्या, मेरे को गाइस इसमें थोड़ी क्रॉप लाके डालनी पड़ेगी, स्लैश अब मैं अपने आइलैंड में आते हैं, इसमें कुछ क्रॉप्स मेरे पास पड़ी हैं, ये सब क्रॉप्स चल जाएंगी क्या, स्लैश गाइस यार कोई गार्डन का रैप मेन्यू है कि नहीं गाइस मेरे कमेंट सेक्शन बताना, अगर जो हाई पिक्सल खेलता है यार, क्योंकि गाइस भाई मेरे को नहीं मिल रहा है इसका रैप मेन्यू, रैप वैप जो भी कहो, तो गाइस पता नहीं क्या है, तो चलो तब तक हमने अपना प्लॉट क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस यार इसको क्लीन करना इतना मुश्किल है, इससे तो गाइस कुछ फायदा मेरे को लग नहीं रहा, पता नहीं गाइस लोग इसको यूज करते भी हैं कि नहीं। तो गाइस यार अब लोग ये भी क्लीन कर सकते हैं, ये मेरे को पता ही नहीं था, देखो अपना क्लीनअप लेवल बढ़ रहा है, तो हम लोग कहीं यार डर्ट को भी हटा के क्लीन हम लोग क्लीनअप कर सकते हैं, ये गाइस कुछ सही चीज कर लिए गाइस, अगर ये पता होता मैं गाइस स्टार्टिंग से यही कर रहा हूँ, तो गाइस यार मैंने इतना ग्रास हटा के कर लिया है। ओके अपना प्लॉट क्लीन हो गया है, ओके हम लोग इस पे क्या क्लिक करें अगर, तो गाइस ये हम लोग को बोल रहा है हम लोग गाइस यार गाइस हम लोग को एक बूस्टर कुकी होनी चाहिए, ओके अपने पास गाइस जितने तो कॉइन होने चाहिए, हम लोग एक बूस्टर कुकी ले लें, चलो आते हैं अपने गार्डन एनपीसी के पास, ये सैम एनपीसी है, सैम है गार्डन एनपीसी
पीसी नहीं है इसका नाम। चलो हमने बूस्टर कुकी भी ले लिया, अब गई सिंपली यहाँ पे आना डेस्क पे और प्लॉट कॉन्फ़िगर। इस पे पता नहीं क्या होगा अगर मैं इस पे क्लिक करूँ। ओके स्टार्ट पे हमने क्लिक करा है तो गाइस भाई ये ज्यादा यूजफुल है, मतलब गाइस ये ऑटोमेटिकली पेस्ट कर रहा है, मतलब कि यार ऑटोमेटिकली फार्म बना रही है, वीट फार्म ऑटोमेटिकली बन गया अपना। तो अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँ जब बन रही है तब देखते हैं क्या होता है, और मैं नीचे गिरूंगा क्या ही सोच के खड़ा हुआ था मैं। भाई ये खतरनाक चीज है भाई, ऐसे कि हम लोग बाकी फार्म भी कर सकते हैं। ओके नाइस यार ये चीज बढ़िया लगी मेरे को। और गाइस अपना कंपोस्टर क्यों नहीं चल रहा, अगर गाइस मैं ये डालूं इसमें तो अपना कंपोस्टर। ओके चलो गाइस हम लोग इसमें एन्चांटेड मटेरियल भी डाल सकते हैं और अपना ये फार्म रेडी है, साइड में बना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग गए भाई शाम को 100 वीट देनी है ना, पड़ी होगी शायद मेरे पास 100 वीट, तो हो सकता है 5 कॉपर देगा, 5 रेड कर दे। ओके अब अपने को ऐसे कॉपर मिलेगा अपने को, ठीक है। ओके अपने को कॉपर चाहिए और ये क्या है विजिटर लॉग बुक, इसमें बताएगा कितनी देर में विजिटर आ रहे हैं। ओके अपना स्काई, ओके भाई अब यार स्काई ब्लॉक कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है पिक्सेल भाई, तभी बीच मैंने बोरिंग की वजह से छोड़ दिया था। गए थे कितनी जल्दी फार्म हो रहा है यार, यहाँ पे क्या है सैम है यहाँ पे गार्डन माइलस्टोन क्या है ये, अब कैरेट फार्म भी अनलॉक कर सकते हैं हम लोग ना। अच्छा ओके गई थी बहुत सही, गई ये सही आइडिया यार बिल्डिंग का, उल्टा एनविल लगा के उस पर टॉर्च लगा दो, भाई क्या खतरनाक लग रहा है ये। ओके ये भी अपना एक प्लॉट है, प्लॉट 2 होगा इसके लिए। तो गाइस इस ये तो इजीली क्लीन अप हो जाएगा, चलो सही है इजीली क्लीन अप, तो ये भी हो जाएगा, इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि इसमें डर्ट कम है, इसमें डर्ट ज्यादा है और इसकी भी डर्ट ज्यादा है, तो मैं प्लॉट 2 ही चूज करूंगा जैसे अपनी वॉल लॉग होती है। और ये क्या है, अच्छा नॉर्मल जस्ट वेल टाइप कुछ है, इतना कम कॉम्पोस्टर भी रेडी नहीं हो रहा। और गाइस ऐसे अपने को मिलेगा कॉपर, चलो सही है कॉपर भी मिल गया क्योंकि गाइस भाई कॉपर अपने को चाहिए था टाइम आउट, क्योंकि भाई बहुत ही चीजें कॉपर पे हो रही है। बिल्डर रूल ये भी कुछ कॉपर से मिलेगा। ओके एडवांस गार्डनिंग हो, ये लोटस ब्रेसलेट पता नहीं क्या क्या है, मिल बांध स्किन हो कि अपने ये बैम्बू बांध स्किन, ये अपने गाइस पता नहीं क्या क्या बांध की खतरनाक चीजें हैं। अभी गाइस मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बड़ा सही अपडेट है यार ये तो। गाइस उससे पहले ना फ्लैश आईएस मेरे को आइलैंड पे जाना है अपने, प्लीज प्लीज अपने पास हो पड़ी हो, क्या ही पिक्सल कर रहे हैं। तो ओके गाइस अपने पास यार 2 कंपोस्टर और आ गए हैं, अपने पास फ्यूल भी है क्रॉप भी है, तो क्यों नहीं चल रहा। अभी क्या करना है गाइस मेरे को सेकंड वाला अनलॉक करना है, और उससे पहले गाइस कोई विजिटर आया। ओके ये है क्या चाहिए 250, नहीं भाई 2, भाई 2 कॉपर दे रहा है 258 है बिल जाएगी बदली में, भाई 2 कॉपर कोई देगा आई वोंट एक्सेप्ट यू गाइस, भाई बहुत वैसा है। इस प्लॉट 2 अनलॉक करते हैं हम लोग, सेकंड प्लॉट अनलॉक हो गया है, अब इसको क्लीन अप भी करना है सेकंड प्लॉट को। और सबसे पहले गाइस सारी ट्री को क्लीन करते हैं, सारे ट्री ब्रांचेस और गाइस सारे जो लीफ वगैरह इनको जो ग्राउंड में रखे हैं सबको क्लीन अप करने के बाद ना सबको शवल, हर चीज को शवल कर दूंगा। अब गाइस यार देखो भाई 2 मिनट भी इसमें गाइस मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं होंगे मेरे को आए हुए, 13% ऑलरेडी हो गया। तो गाइस भाई यार अब जब आप लोग को आदत हो जाएगी ना कर देंगे तब आइए तब आप लोग यार जल्दी जल्दी सारे प्लॉट को क्लीन अप कर सकते हो। और अभी गाइस यार मेरे पास कुछ इतने अच्छे टूल भी नहीं है, सारे बिगनर्स वाले टूल हैं गाइस। ये अभी वुडन वाली मतलब गाइस साइप है, ये मतलब बेसिक लेवल वाली साइप है, इसके ऊपर भी 2-3 साइप आती है जो कि अभी मैंने नहीं लिए हैं। चलो अब गाइस यार इसको क्लीन अप करते हैं। गाइस मेरे को क्यों लग रहा है गाइस शवल से जल्दी हो नहीं पाएगा, पूरा शवल से हो नहीं पाएगा मेरे को लग रहा है, आज अपनी इन्वेंटरी फुल हो गई ना इस, अब क्या करूं इन्वेंटरी फुल हो गई। गाइस यहां से ना सारे वर्ड वगैरह को नीचे फेंक देता हूं, भाई मेरे को एक सेकंड लगा कि मैंने अपना फ्लावर ऑफ ट्रूथ नीचे फेंक दिया, फिर रियलाइज हुआ कि गाइस वो फ्लावर ऑफ ट्रूथ नहीं था।